अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे आलू और अंडे के कबाब। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो चले आए शुरू करते हैं। आलू अंडे के कबाब बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज से बनते हैं। इसके लिए मैंने ये चार अंडे बॉयल होने के लिए रखूंगी ताकि अंडे बॉयल हो जाए अच्छी तरह से। अच्छा, अंडे बॉयल होने के लिए रखे हैं। आलू मैंने छील लिए हैं, तकरीबन आधा किलो जितने आलू हैं, और मैं छील कर फिर इनको बॉयल करूंगी। ये देखें ताकि ये जल्दी हो जाए, और अगर मेहमान आया और कबाब बनाने तो आलू और अंडे के ये कबाब बना कर आप लोग दें, बहुत टेस्टी और बिल्कुल मुनफरद। ना ज़्यादा मोटे हैं ना बारीक हैं, आप इस तरह से इसको काट लें। कुछ लोग इसमें नमक भी बॉयल होने के लिए जब रखते हैं तो नमक भी ऐड कर देते हैं, फिर ये होता है कि अगर याद ना रहे तो बाद में मसाला बनाते ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही। आलू सारे कट गए, चले अब हम इसको जब तक बॉयल होने के लिए रखते हैं। आप मेरे चैनल पे साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और फीडबैक में मुझे बताएं, बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूला करें। जब तक चीज़ें बॉयल हो रही हैं आलू और अंडे, हम अपना बाकी काम कर लेते हैं। इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, और साथ ये हरी मिर्ची 3 से 4 अदद बारीक बारीक काट लेनी है। ये देखिए इस तरह से आप बारीक काट लें। इस वजह से मैं अक्सर हरी मिर्ची रख देती हूँ, वो रेड हो जाती हैं, तो फिर मैं वो भी काट के इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये हरी मिर्ची हो गई, ये बहुत तीखी है, इस वजह से बस मैंने 3 ही डाली है। अच्छा, प्याज को भी ना इसी तरह आमलेट की तरह बिल्कुल बारीक साइज, ये देखिए इस तरह से हमने काट लेना है। आलू बॉयल हो चुके हैं, इसको ये छाननी में ना आप छान ले। ऊपर से हम इस पर ठंडा पानी थोड़ा सा डालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अंडे भी बॉयल हो गए, इनको भी मैंने निकाल लिया। अब ये चीज़ें आलू ठंडे हो जाएं तो हम ये मसाला तैयार करते हैं। अंडे बॉयल हो चुके हैं, और ये छील कर आप इनको भी पहले से रख लें, ताकि जब हम आलू को मैश करें तो साथ में इनको भी मैश करना है। अच्छा, ये आलू ठंडे हो गए, ये देखिए अब इसको हाथ धोकर फिर आपने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक में ये इस तरह से मैश कर ले। ये अंडे जो बॉयल करके रखे हैं इनको हाथ की मदद से नहीं, ये चम्मच से इस तरह से ताकि ये मोटा मोटा रहेगा ना, तो नजर इस तरह से एक एक करके आपने सारे अंडे जो हमने बॉयल किए थे वो इसमें डाल लेने। ठीक है, इस तरह से ये देखें ये अब अच्छी तरह से मैश हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज काट के जो रखा था, और हरी मिर्ची ये इसमें डालनी, साथ ही अब इसमें डालेंगे ये हरा धनिया धो के, खूब सारा हरा धनिया इसमें शामिल किया। और अब मसालों की बारी आई, तो ये सूखा धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा इसको हाथ पे मसल के, ये भुना हुआ ज़ीरा इसको हाथ पे मसल के आप डाल लें आधी चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डाल लें, क्योंकि ये कलर के लिए होती है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, इससे टेस्ट आ जाएगा आपका। और नमक हसबे ज़ायका, जैसे आप कम ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। ये नमक इसमें चला गया, अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला तकरीबन आधी चम्मच, काली मिर्च आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को अब हमने मिक्स कर लेंगे। देखा कितनी जल्दी से ये सारे हमारे कबाब तैयार होंगे।
तक इसे मिक्स कर रहे हैं। आप मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में मुझे फीडबैक दें कि आपको हमारा ये कबाब का मसाला तैयार करते हुए कैसा लग रहा है, और आप भी बनाएं मुझे बताएं। इस तरह से आपने बहुत अच्छी बैंडिंग हो जाती है, इस तरह से आपने इसकी टिक्कियां बना लेनी है। अंडा हमने फेंट लेना है, नमक में बिल्कुल सही है, इस वजह से मैं इसमें नहीं डाल रही। अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप ये सब जब अंडा फेंटते हैं तो इसमें भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, अब ये गर्म हो जाए ऑयल करके डालते जा रहा हूँ। अच्छा, फ्लेम आपने कम ही रखनी है, एकदम से अगर तेज होगी आंच तो वो इसको फोल्ड कर लेना है। ये पलट लेना है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस तरह से बारी बारी आपने सबको आराम से इस तरह से पलट लें ताकि ये टूटे ना। ये देखो हमने पलट लिया, अब दूसरी साइड से ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। कबाब फ्राई हो चुके हैं, ये इसको आप निकाल लें। ये आलू और अंडे के कबाब बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत इजी हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाया करें मुख्तलिफ चीज़ें जो आप लोग देखते हैं बनाएं, और हमें फिर फीडबैक दिया करें। आपको अंदाज़ा होगा कि हर चीज़ बनानी बहुत आसान है, क्योंकि बस बारी बारी और डालते जाएंगे और हमारे कबाब तैयार। मेहमान आए जल्दी से, अगर कीमा नहीं है गोश्त नहीं है तो आप ये इन चीज़ों से, आलू और अंडे हर टाइम हमारे किचन में मौजूद होते हैं, इन चीज़ों से आप जल्दी से कबाब रेडी कर सकते हैं। आलू और अंडे के कबाब रेडी हैं बहुत आसान से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।